सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने हमें मौका दे दिया आज अपनी बात कहने का। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद ये है कि हमने कल जो हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने ये फैसला किया है कि डॉक्टर मुस्तफ़ा खान जो DDC मेंबर भी है पार्टी के जनशक्ति भी हैं उनको इंटरिम प्रेसिडेंट से फुल टाइम प्रेसिडेंट बना दिया गया। आगे प्रेसिडेंट साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और मेरी तमाम जितनी भी काउंसिल है जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला मुझ पर ये बोझ डाला गया है इस पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यहाँ आने का आपको बता दिया हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब मुदसर साहब मौजूद हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सईद ताहिर साहब हैं और स्टेट सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं जावेद खान साहब। आज सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त नहते लोगों को मारा जाता है हम पुरजोर अल्फाज में ऐसे वाकात की मजम्मत करते हैं। कोई भी रिलीजन कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम तो मुस्लिम हैं और हमारे कुरान में लिखा है ला अक्सुम बिहाज़ल बलद व वालिदुम व मा वलद, कसम है आदम की और आदम के औलाद की। जहाँ पूरी इंसानियत की कसम खाई जाए वहाँ वायलेंस कहाँ से होगी। तो लिहाजा हम इन पुरजोर अल्फाज में ऐसी हलाकतों की मजम्मत करते हैं और हम ये भी कहते हैं तशद्दुद ज़ुल्म और नफ़रतों के आदि हम नहीं, नबी को मानने वाले फसादी हम नहीं। जो नबी को मानता है वो फसादी नहीं हो सकता है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को जो ऐसी इस वक्त हलाकतें हो रही हैं बेनकाब करें, क्योंकि आपके पास मिशनरी है, आपके पास फोर्सेस है और आपके पास इस वक्त यहाँ लगा हुआ CC कैमरा है। इनको सामने लाइए और इन लोगों को बेनकाब कीजिए। इससे इस वक्त जो जिस डर में कश्मीरी है और बाहर का हमारा साथी है कहीं का, इस डर से निकालिए। और रबीउल अव्वल का महीना चलता है, रबी मीनस बाहर, कश्मीर में फिर वो अमन फिर चैन और वो सुकून हम चाहते हैं, वो बाहर वापस लाइए। और इसको हम आज आपके ज़रिए से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हलाकतें हो रही हैं इसकी गहराई से इनके तह तक जाके इन लोगों को बेनकाब किया जाए, जांच किया जाए और इन मज़लूमों को इंसाफ दिया जाए और कश्मीरियों को इस वक्त प्रोटेक्शन दी जाए। दूसरी बात, इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़ी जो चीज़ है बेरोज़गारी है। मेरा जवान पढ़ लिख के, मेरा जवान डिग्रियां करके इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। पूरे मुल्क में 21.6, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 21.6% इस वक्त बेरोज़गारी है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ है। मैं जानता हूँ, मेरे साथ जो ये टीम है ये जानती है, हमने कॉलेजों में हमने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है कि जो बच्चा डिग्री करके इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है और इस वक्त वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो उस पर और उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि यहाँ जॉब के मौके पैदा किए जाएं। जब हमारे बच्चों को हमारे नौजवानों को इस तरीके से रखा जाएगा तो नतीजा ये निकलता है फिर वो मंशियात की तरफ मायल हो जाते हैं और जब मंशियात में फंस जाते हैं तो फिर किसी से हम अमन की तवक्का रख ही नहीं सकते हैं। लिहाजा हम लोग यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमारे 70 आज तक लगभग 50 से ज़्यादा मिनिस्टर आए, अगर हर मिनिस्टर दो दो प्रोजेक्ट ही देगा तो कश्मीर ऊपर जाएगी। हमें सड़कें भी चाहिए, हमें कदल भी चाहिए, ठीक है तामीर और तरक्की कहीं हो रही है, लेकिन उस सड़क को उस सड़क के मैग्नम को मैं क्या करूँगा कि जिस पे मेरा बच्चा उस मैग्नम पे बेरोज़गार बच्चा बैठ के क्या भीख मांगेगा। उस ब्रिज को जिसके इर्द गिर्द फूल लगाए गए हैं, खूबसूरत फूल तो होंगे लेकिन उसी ब्रिज से जब बेरोजगारी होगी तो मेरा एक नौजवान इस वक्त खुदकशी कर रहा है। ऐसे तामीर और तरक्की को मैं क्या तामीर और तरक्की का नाम दूंगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ए हुकूमत वक्त, खुदा रहम नहीं करता उस बशर पर, नाह दर्द की चोट जिसके जिगर पर, तुम मेहरबान हो अहले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श-ए-बरी पर। और तीसरी बात, इस वक्त महंगाई,
जिसने मेरे गरीब को डुबा के रख दिया है। मुझे समझ नहीं आता है सिस्टम कैसा है। यहाँ अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है और गरीब को दो वक्त की रोटी नहीं बन रही है। आप देखिए तेल का टीन जो 1500 में था इस वक्त 3500 रुपए में है। पेट्रोल 60 रुपए 109 तक पहुंच गया है। डीजल 100 रुपए तक पहुंच गया है। मेरा गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है। गरीब के लिए हुकूमत वक्त को जल्द अज जल्द एक पैकेज देना होगा जिससे गरीब ऊपर उठ सके। जब गरीब ऊपर उठेगा इकनॉमी ऊपर उठेगी। अमीर चंद लोगों के ऊपर उठने से या उनको कुछ देने से नहीं होगा। तो जो ये चीज़ें हैं इस वक्त इस पर गहराई से सोचना होगा। इस वक्त हमारे किसान हमारे मजदूर जिनको KCC लोन है वो माफ़ किए जाएँ और हमारे इस वक्त हर तबके के लोग प्रोटेस्ट पे हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हों चाहे वो डेली वेजर हों। इन लोगों को इनका हक दिया जाए हमारी ये हुकूमत से मुतालबा होगा। उसके साथ साथ मैं इस वक्त ये चीज़ यहाँ से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है जिसका नाम JKPM है, जिसको उर्दू में अवामी तहरीक कहा जाता है, हम अवामी तहरीक के यहाँ लीडर बैठे हुए हैं। हम कौम के खिदमत गुजार हैं। हम साफ बेबाक और शुद्ध सियासत लोगों को देना चाहते हैं, एक मुतबादल देना चाहते हैं। और उन लोगों से मैं कश्मीर के बाशूर जवानों से मैं कश्मीर के अपने उन लोगों से जो दिन रात इस चीज़ पे गौर व फिक्र करते हैं, बजाय इसके कि हम फेसबुक पे हम सोशल मीडिया पे तनकीद करें, आए एक बेबाक और साफ और शफाफ एक तंजीम निकली है, एक तहरीक निकली है, इसके साथ जुड़िए। आप जुड़े हैं, मैं उनका शुक्रिया करता हूँ। लोगों के एहसास जज्बात हमारे साथ जुड़े हैं। उनको पता है कश्मीरी सियाने हैं, कश्मीरियों को इस वक्त पता है क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें देख रहे हैं। वो हमारे साथ जुड़ें और हम हर एक को दावत देते हैं और इंशाल्लाह आप अनकरीब देखेंगे कि ये एक ऐसी सोच है, एक नई सोच है जिससे हम लोगों को लेके आगे चलेंगे। मैं लास्ट पे उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे पे तनकीद करें, मायूसी का शिकार हूँ, मायूसी जो है वो नाउमीदी जो है वो कुफर है। आए ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल जोली में, मेरे दोस्त वक्त की शाख को खुद हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा भला कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। तो आए अपने हिस्से का दिया जलाएं और हमारे साथ साथ दीजिए। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट JKPM अवामी तहरीक आपके साथ है। आप लोगों की तर्जमानी, आप लोगों जिन लोगों की आज तक कोई आवाज नहीं सुन रहा है, जिनके हकूक दबाए जा रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंड से आए, हमें पता है हम शहनशाही कुर्सी पर आज तक नहीं बैठे, ना हमें कुर्सियां चाहिए, हम ग्राउंड सतह से आए हैं, जिनकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जिनके साथ ना इंसाफियां हो रही हैं। मैं आज आपके माध्यम से ये लोगों को कहना चाहता हूं और हुकूमत तक भी कहना चाहता हूं, गरीब मजलूम बेबस और जिसके साथ नाइंसाफी हुई, जिसके साथ आज तक झूठ हुआ है, झूठ पे झूठ कहा गया है, उनकी आवाज उठाना गुनाह है। तो ये गुनाह हम बार बार करेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने फिर से नौजवानों को अपील की कि वो जुड़े, मगर आपकी